नमस्कार, मैं हूं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। स्टडी में नए निष्कर्षों के हवाले से बताया कि किशोरों पर महामारी के न्यूरोलॉजिकल और मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव और भी बदतर हो सकते हैं। इन्हें बायोलॉजिकल साइकेट्री ग्लोबल ओपन साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के अध्ययन के अनुसार अकेले 2020 में वयस्कों में चिंता और अवसाद की रिपोर्ट में पिछले वर्षों की तुलना में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। महाठक सुकेश चंद्रशेखर ने डीजी तिहाड़ जेल को चिट्ठी लिखी है। सुकेश ने जेल अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। सुकेश ने चिट्ठी में कहा है कि जेल नंबर 14 जहां सुकेश बंद है में जिन सुप्रीटेंडेंट राजकुमार और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जय सिंह का ट्रांसफर किया गया है, वो सुप्रीटेंडेंट राजेश चौहान के कहने पर मुझसे 125,000 रुपये बतौर रिश्वत ले चुके हैं जब मैं साल 2019-20 के बीच जेल नंबर 4 में कैद था। श्रद्धा मर्डर केस मामले में आरोपी आफ्ताब के साथ शुक्रवार को पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान दिल्ली के तिहाड़ जेल में करीब 1 घंटे 45 मिनट तक कई सवाल जवाब किए गए। ये टेस्ट FSL के ऑफिस में किया जाना था, लेकिन आफ्ताब की सुरक्षा को देखते हुए तिहाड़ जेल के अंदर FSL के 4 सदस्यों की टीम और केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहुंचे। यहां एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर एक कमरा आफ्ताब के पोस्ट नार्को टेस्ट के लिए तैयार किया गया था। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की ओर से दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में दुनिया भर के 172 शहरों को शामिल किया गया है। सबसे महंगे शहरों की लिस्ट न्यूयॉर्क और सिंगापुर संयुक्त रूप से टॉप पर है। वहीं लिस्ट में 3 भारतीय शहर भी शामिल हैं। भारतीय शहर बैंगलोर को इस लिस्ट में 161वां स्थान मिला है। बैंगलोर के अलावा चेन्नई और अहमदाबाद का नाम भी शामिल है। कोई भी भारतीय शहर टॉप 100 में नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के लोगों से भेदभाव रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। याचिका में YouTube में मौजूद अपमानजनक वीडियो का हवाला दिया गया था। यह मांग भी की गई थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में बच्चों को पूर्वोत्तर के लोगों के बारे में जागरूक बनाना चाहिए। गोधरा एक वो शहर है जो गुजरात में बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट बना और बीते 20 सालों से भारत की राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। साल 2002 में गोधरा कांड और उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों ने न केवल राजनीति में बीजेपी की दिशा तय की बल्कि नरेंद्र मोदी के सियासी करियर में भी भूमिका निभाई। उसी गोधरा विधानसभा सीट पर इस बार 4 पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। यहां से बीजेपी ने मौजूदा विधायक CK रौलजी को टिकट दिया है, जिनके प्रचार के लिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने में एक रोड शो किया था। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना तमाम बड़े और दिलचस्प मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी वो युवा वकील लेते हैं जिन्हें इस पेशे में अपना करियर बनाना है। अब ऐसे ही युवा वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह ने युवा वकीलों से कहा है कि वो कैंटीन में गपशप कर अपना वक्त बर्बाद ना करें, अपने खाली वक्त में वो कोर्ट रूम में बैठकर ये देखें कि उनके सीनियर वकील कैसे जिरह कर रहे हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड को अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह दावा किया है। भगवंत मान ने बताया है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। इससे पहले एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई थी कि बराड को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आपत्ति जताई है। अनिल विज ने शुक्रवार यानी 2 दिसंबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि JNU की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे बहुत ही घातक हैं। नारे लिखने वाले ने देश की संस्कृति पर प्रहार किया है। गुजरात में 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। कल यानी शनिवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में भाजपा नेता अपनी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। PM मोदी भी तूफानी प्रचार में जुटे हुए हैं। मोदी ने शुक्रवार को कांकरेज और पाटन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। मोदी ने गुरुवार को 50 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया था। पॉपुलर प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल एक दुर्घटना में घायल हो गए। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया। एक इमारत की सीढ़ी से गिरने के बाद उनकी कोहनी और पसलियां टूट गई और उनके सिर में भी चोट लगी है। हाल ही में जुबिन नौटियाल का एक नया गाना तू सामने आए रिलीज हुआ है। इस गाने को उन्होंने श्रीलंका के सिंगर योहानी के साथ गाया है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने PMLA के तहत चेन्नई मुंबई और दिल्ली में 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। ED ने सिक्योर क्लाउड टेक लिमिटेड, प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, यूनिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेजर्ट रिवर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के कार्यालय और आवासीय परिसर की तलाशी ली है।
गुजरात में भाजपा के लिए प्रचार कर रहे अभिनेता परेश रावल बंगालियों पर अपनी टिप्पणी से विवादों में घिर गए हैं। एक रैली में उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग महंगाई को बर्दाश्त करेंगे लेकिन पड़ोस के बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को नहीं। भारी विरोध का सामना करते हुए उन्होंने आज माफी मांगी है। सीबीएसई बोर्ड टाइम टेबल पर उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई अब जल्द ही 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल रिलीज कर सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं का विषयवार शेड्यूल इसी महीने रिलीज हो सकता है। वर्ष 1984 की 2 और 3 दिसंबर की रात को आज भी भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में गिना जाता है। आज ही के दिन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इस दिन को याद कर आज भी भोपाल के लोग सहम उठते हैं। आज भी लोगों के मन से दर्द निकला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि इस घटना के मुख्य आरोपी को कभी सजा ही नहीं मिली। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर 4 नवंबर से आचार संहिता लागू हुई है, जबकि 7 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई थी, जब से राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का प्रचार चल रहा था। आज शाम 5:30 बजे यह प्रचार अभियान थम गया है। इसके बाद न तो राजनीतिक दल लाउडस्पीकर का प्रचार में उपयोग कर सकेंगे और न ही जनसभा कर सकेंगे। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2019-22 के तृतीय वर्ष की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। 5 से 12 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। वहीं 14 से 16 तक ₹200 विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा 26 दिसंबर से शुरू होकर जनवरी 2023 तक चलेगी। फरवरी के अंतिम या मार्च के पहले सप्ताह में इसका परिणाम जारी किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने इंटरव्यू में दावा किया कि आमतौर पर हिंदू दंगों में शामिल नहीं होते हैं, वे शांति प्रिय हैं। एक समुदाय के रूप में भी हिंदू जिहाद में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने यह जवाब 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाने वाले अमित शाह की टिप्पणी पर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में पक्ष के नेता के रूप में बने रह सकते हैं, क्योंकि पार्टी ने अभी तक राज्यसभा में उनकी जगह किसी दूसरे को देने का फैसला नहीं किया है। अगर खड़गे 2 पद संभालते हैं तो यह कांग्रेस की एक व्यक्ति एक पद पॉलिसी का उलट होगा। साइंटिस्ट नंबी नारायणन को कथित रूप से 1994 इसरो जासूसी मामले में फंसाने वाले 4 आरोपी पुलिस अफसरों की अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। मामले में केरल हाईकोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत का आदेश दिया था, उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जस्टिस MR शाह की बेंच ने जमानत याचिकाओं को केरल हाईकोर्ट को वापस दे दिया है, साथ ही 4 हफ्ते के भीतर मामले पर नए सिरे से फैसला करने को कहा है। पाचन की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 2 ही काम है, ईवीएम की खामियां निकालना और मोदी को गालियां देना। कांग्रेस बोलती थी गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हमने हटाई। कांग्रेस इस देश में शौचालय नहीं बना पाई। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए खाते खोल दिए हैं। हम लोग गरीब की चिंता करते हैं। कोरोना के वक्त जब पूरी दुनिया परेशान थी, उस दौर में भी हमने गरीबों को भूखे नहीं रहने दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अहमदाबाद में हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गोल्डी बरार के पकड़े जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि गोल्डी बरार कैलिफोर्निया पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। बरार को जल्द ही भारत लाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कार्यों एवं बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने फिल्म शूटिंग क्षेत्र को लेकर कई निर्देश भी दिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पटना द्वारा पटना विश्वविद्यालय परिसर में भारत को G20 का अध्यक्षता मिलने पर पोस्टर विमोचन किया गया। इस दौरान सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। ABBP के सदस्यों ने कहा कि ये गर्व की बात है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ड्वेन ब्रावो को अगले साल होने वाले IPL के लिए टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। लक्ष्मीपति बालाजी IPL के अगले सीजन से ब्रेक ले रहे हैं। इन तस्वीरों को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने शेयर किया है, जिसमें शाहरुख खान मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए एक ट्रैक पर छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बर्फ से ढके पेड़ों के बीच स्टंट करते हुए उन्होंने काले कपड़े पहने हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अधीन चल रहे पल्स हॉस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है। जब्त संपत्तियों में अस्पताल में लगे उपकरण और मशीनों के अलावा अमित झा के नाम पर खरीदी गई जमीन शामिल है। जब्त संपत्ति की कीमत 82.77 करोड़ रुपये आंकी गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। दिल्ली यूपी सहित मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बिहार और झारखंड में ठंड ने अपना प्रकोप अब बढ़ा दिया है। अहले सुबह और शाम होते ही ठंड का असर दिखने लगता है। लुधियाना कोच ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की ओर से यह जानकारी दी गई है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नूनू कुमार गोलू, बाबूलाल मरांडी, निशा कुमारी, भान प्रकाश मौर्य, पीयूष पटेल, के नाम, मोहम्मद नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि अगर आपको मौका मिला तो आप देश के किस शहर में रहना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।